हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है। पोस्ट की बात करें तो गाइस लेक्चरर का पोस्ट निकल के है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एंड गाइस क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, प्लस गाइस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी इनिशियल, उसी ब्याप पे गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल एंड उसी ब्याप पे गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, टोटल कितना वैकेंसी निकल के है, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, ऑल गाइस हम इन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी है ताकि आपका ऑल डाउट ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस आप स्किप कर करके देखते हो, जिसके कारण गाइस आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप गलती कर देते हो, वो गलती अपन को नहीं करनी है। एंड गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन डलाता हूँ। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। तो गाइस ये अपनी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है। द कमीशन इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन वेरी सब्जेक्ट ग्रुप इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो गाइस बात करें गाइस इसके अंदर नेम ऑफ पोस्ट की, जो कि लेक्चरर के अंदर इन डिपार्टमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोस्ट है, जिसके अंदर गाइस जनरल कैटेगरी के अंदर वन वैकेंसी है। एंड गाइस लेक्चरर इन आर्किटेक्ट के अंदर बात करें, लेक्चरर इन आर्किटेक्चर के अंदर बात करें तो गाइस जनरल के अंदर फोर वैकेंसी रिजर्वड है, एससी के अंदर वन है, बीसीए के अंदर टू है, बीसीबी के अंदर वन है, तो टोटल गाइस एट वैकेंसी में रिजर्वड आई है। एंड गाइस ईएसएम हॉरिजॉन्टल के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर वन वैकेंसी रिजर्वड है। एंड गाइस बात करें नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर सिक्स है, एससी के अंदर फोर है, बीसीए के अंदर थ्री है, बीसीबी के अंदर वन है, ईडब्ल्यूएस के अंदर वन है, तो टोटल 15 है। एंड गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जनरल के अंदर 11 है, एससी के अंदर 3 है, बीसीए के अंदर 2 है, बीसीबी के अंदर 2 है, इवन ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 है, टोटल 21 वैकेंसी रिजर्व आई है। तो गाइस आपको एक एक करके कैटेगरी वाइज कास्ट कैटेगरी वाइज आपको मैं बताऊंगा पोस्ट वाइज, तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 237 वैकेंसी रिजर्व आई, यानी 237 गाइस वैकेंसी रिजर्व आई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अप्लाई करिए गाइस इसकी ऑनलाइन है, लास्ट डेट की बात करें तो 27 नवंबर 2024 है। एंड गाइस ये जो स्टार्टिंग है 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 7 नवंबर 2024, क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 नवंबर 2024, क्लोजिंग डेट फॉर डिस्पोजिट फीस की बात करें तो गाइस 27 नवंबर ही है। एंड गाइस बात करें इसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट के तो www.hpsc.gov.in, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं, नियर बाय किसी साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आपको मैंने कास्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताया, साथ ही में आपको मैंने बताया कि कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, अप्लाई करिए, लास्ट डेट। अब बात करें गाइस इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट क्राइटेरिया की, प्लस सैलरी पैकेज की एंड सिलेक्शन प्रोसेस की। तो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने, नेम ऑफ द पोस्ट लेक्चरर वेरीज इन सब्जेक्ट ग्रुप बी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट, देयर एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो गाइस ये इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करिए गाइस इसकी ऑफलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.hpsc.gov.in है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइस अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस कोई अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का, लास्ट डेट गाइस आपको मैं बता चुका हूँ पहले स्टार्टिंग में 27 नवंबर 2024 है। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट जो कि ईमेल आईडी है गाइस, आप इस पे कोई ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप इन नंबर्स पे ईमेल आईडी के माध्यम से आप कुछ इंक्वायरी पूछ सकते हैं। 237 गाइस इसके अंदर वैकेंसी रिजर्व्ड है। इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर बात करें तो बैचलर आपने कर रखी है एंड मास्टर्स कर रखी है ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में गाइस आपको हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन
तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है। यदि गाइस आप लेक्चरर इन आर्किटेक्चर के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, गाइस आपने मास्टर बैचलर एंड मास्टर्स आपने कर रखे इन आर्किटेक्चर के अंदर विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है। हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन, तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है। तो गाइस आपको एक एक करके बताऊंगा पोस्ट वाइज, तो गाइस आपको मैं बताऊंगा कि पोस्ट वाइज क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस आपको देखना है कि आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो गाइस उस पोस्ट के लिए आपका इनिशियल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, अदरवाइज गाइस आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। एंड गाइस बात करें इसके अंदर एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो 21 टू 42 इयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस मैंने जितने भी ये पोस्ट बताई है, लेक्चरर की पोस्ट है, इसके अंदर गाइस आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज गाइस पोस्ट ग्रेजुएट इन रेलिवेंट फील्ड जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चरर के अंदर गाइस आपको पता है कि मास्टर होना मैंडेटरी है। तो गाइस ये सारी की सारी आप देख सकते हैं ये इनिशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट वाइज। एंड गाइस बात करें इसके अंदर आपको एज लिमिट क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि 21 टू 42 इयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस बात करें इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो गाइस आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, देन आफ्टर आपका इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। तो गाइस ये सिलेक्शन प्रोसेस का ये रहने वाला है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर गाइस आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का रहेगा, टोटल मार्क्स 150 है। तो गाइस ये इंटरव्यू है, वाइवा की गाइस आप वेटेज आपको मिलेंगे जो कि 12.5% आपके मिलेंगे इंटरव्यू के, विल बी द फाइनल मेडलिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग दी मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू वाइवा। एंड गाइस स्केल पिल की बात करें, तो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आपका स्केल ऑफ पे रहने वाला है। एंड गाइस ये सारे इंस्ट्रक्शन है, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, सब्जेक्ट ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो गाइस ये सारे इंस्ट्रक्शन है। 21 टू 42 ईयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी वाले ऑफ हरियाणा के लिए गाइस 5 ईयर्स का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा वालों के लिए 5 ईयर्स का है। एंड गाइस आपको देखना है कि आप जिस भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कास्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका वो इसके अंदर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 ईयर्स है। तो गाइस ये इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। एंड गाइस इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं ताकि कोई गलती ना होए। तो गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है, तो गाइस कोई गलती नहीं करनी, जो सीक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे उसी साइज में गाइस आपको अपलोड करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड गाइस एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो गाइस जनरल EWS OBC वालों के लिए 1000 रुपीज़ है। देन गाइस बात करें SC वालों के लिए, गाइस इसके अंदर 250 है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आप देख सकते हैं फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंड ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली 250 रुपीज़ है। जो फोर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रिमिनल लेयर के अंदर रहते हैं, फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट वालों के लिए भी 250 है। तो गाइस इससे बड़ी क्या खुशखबरी है, तो गाइस इसके अंदर आपको फीस स्ट्रक्चर का भी छूट मिलने वाला है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC BCA नॉन क्रिमिनल लेयर, BCB नॉन क्रिमिनल लेयर, ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल पर्सन विद डिसबिलिटीज कैटेगरी के कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% डिसबिलिटीज ऑफ हरियाणा नील है, कोई इसके अंदर फीस नहीं लगने वाली है उनके लिए। तो गाइस ये फीस स्ट्रक्चर था आपको अच्छी तरह देख सकते हैं। एंड गाइस आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है। एंड गाइस आपको कोई गलती नहीं करनी, बिकॉज गाइस आप कोई गलती करते हैं, आपका कोई पासपोर्ट साइज फोटो है वो डॉक्यूमेंट उस KB में नहीं होता है, तो गाइस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए। तो गाइस ये गलती अपन को नहीं करनी है। तो गाइस ये अपनी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर का पोस्ट निकल के है, जिसके अंदर गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ। तो गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है, लास्ट डेट इसकी 27 नवंबर 2024 है। एज क्राइटेरिया गाइस 21 टू 42 ईयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी रेलिवेंट फील्ड में, तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज आपको मैं अभी मैंने बताया। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 237 यानी 237 वैकेंसी रिजर्व है। सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रीनिंग होगा आपको डॉक्यूमेंट का, देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये सारे सिलेक्शन प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन से फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो जनरल EWS OBC वालों के लिए 1000 रुपीज़ है। SC ST BC फीमेल्स ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए, डिसेबिलिटीज के लिए कोई फीस नहीं है। एंड गाइस 250 इसके अंदर रुपीज़ रहने वाली है। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो गाइस आपकी हरियाणा के अंदर जॉब रहने वाली है कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइस आपको वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करें, अप्लाई वही करें जो इसके अंदर एलिजिबल है, जो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है ऑब्वियसली बात है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पर पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहाँ शो नहीं होता है, तो गाइस आपको इसी वीडियो की इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दिया जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना, गाइस लिंक पर क्लिक करना है, एंड गाइस आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल में गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करा जाता है, तो गाइस इस चैनल में प्यार दिखाएं। एंड गाइस अपने तीनों प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना पड़ेगा, व्हाट्सअप प्लस टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम से, बिकॉज गाइस तीनों प्लेटफॉर्म गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करा जाता है, तो गाइस तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े। एंड गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव अ फैंटास्टिक डे।